तो आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की। तो हमारी एनिवर्सरी थी और हमने सोचा उज्जैन जाते हैं। सो हम रेडी हो गए थे अहमदाबाद से उज्जैन जाने के लिए। बहुत पास है, सिर्फ 6-7 घंटे लगते हैं। तो हम बस रात की ट्रेन ली और मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँच चुके थे अहमदाबाद से। और मॉर्निंग में 6 o'clock के समथिंग रूम में पहुँच गए थे और हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो हमने जल्दी से फ्रेश फ्रेश होके रेडी होने लगे यस महाकाल के लिए। मैंने सोचा मंदिर में मैं साड़ी पहनना अच्छा होगा क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है, और मैं साड़ी में रेडी होने लग गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बिंदी, जिसके बिना साड़ी अधूरी लगती है, और हमारे पतिदेव की फेवरेट चीज़ मेरे ऊपर। कोई भी ड्रेस में पूछो उनको बिंदी मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने भी बिंदी लगा ली और यस बिल्कुल पतिव्रता नारी की तरह मैं तैयार हो गई। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम रेडियो के नीचे गए तो ओनर से पता चला कि महाकाल की आरती शाम को शिप्रा नदी वाली बहुत अच्छी होती है। तो हमने सोचा कि महाकाल को ये दर्शन शाम को करेंगे, उससे पहले हम काल भैरव और भी जो मंदिर हैं उज्जैन के उसका दर्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक रिक्शा बुक किया पूरे दिन के लिए, जो आपको 1000 से 1200 तक का मिल जाएगा मुझे, लेकिन वो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है आप कितनी दूर रह रहे हैं। हमने बहुत पास में लिया था स्टेशन से और वहाँ से हमारी बुकिंग हो गई थी। तो हम सबसे पहले गए थे भरथरी गुफा, जो एक राजा ने तपस्या की थी और फिर उस गुफा में उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया था। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और दर्शन आराम से हो चुके थे। एक चीज़ बोलूँगी कि उज्जैन के अगर दर्शन करने हैं तो 2 डेज़ इनफ होते हैं, 1 डेज़ में आपके पास इतनी स्टेमिना होनी चाहिए क्योंकि बहुत थकान हो जाती है पूरा घूमने में, प्लस आपको आधी चीज़ आप अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे। तो 2 दिन का अगर टाइम लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने 1 दिन में ही उज्जैन विजिट किया था तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया था हमारे लिए। फिर हम गए थे गढ़काली का मंदिर, वो बहुत ही सुंदर माता का मंदिर है, वैसा तो मैंने देखा नहीं। उसके बाद हम गए काल भैरव मंदिर, क्योंकि इसके बिना महाकाल की जो दर्शन है वो पूरे नहीं माने जाते। तो काल भैरव हालांकि लोग बाग बाद में भी करते हैं, बट अपनी अपनी मान्यता है पहले भी कर सकते हैं। और ये देखो मतलब वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है और वहाँ पे प्रसाद भी उनका प्रसाद भी आपको पता ही है क्या चढ़ता है, वो ले सकते हैं, वो सब कुछ मिलता है वहाँ पे। और लोग कलावा वगैरह भी वहाँ पे बहुत बांधते हैं। और बॉटल बहुत धूप थी लेकिन हमारे चलो वहाँ भी दर्शन हो गए थे, कलावा बनवाया मैंने। और वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं तो वो भी हमने एक मेमोरी के लिए क्लिक करवा लिया था। उसके बाद हम गए थे संदीपनी आश्रम, जहाँ पे बलराम कृष्ण जी एंड सुदामा जी ने शिक्षा ली थी। तो वो सारे कुछ बना हुआ है वहाँ पे और बहुत ही सुंदर था सारा। तीनों का ही मंदिर है, श्री कृष्ण और सुदामा और बलराम का, तो वो भी देखने लायक था। मैं बता रही हूँ कि मेन जगह कहाँ कहाँ जा सकते हैं उज्जैन में। फर्स्ट डे हमने ये सब घूमा। फिर हम गए थे मंगलनाथ टेम्पल। यहाँ पे जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे, मंगल पता नहीं ग्रह की भगवान है, बट वो उनके दर्शन किए हमने। उसके बाद हम चल दिए वहाँ के बाफले खाने के लिए, जो फेमस है उज्जैन में दाल बाफले, वो खाया। और फिर हम रिटर्न हो गए थे अपने। फिर हम शाम को निकल गए महाकाल के दर्शन के लिए। तो उसके 4 गेट हैं, हम गेट नंबर 4 से एंट्री की थी। किसी भी गेट से एंट्री करो, वहाँ से प्रसाद लो, फूल और प्रसाद मिलता है। अलग अलग गेट पे अलग अलग प्राइस है, तो हमने लगभग 100 रुपये और 10 रुपये का फूल ऐसा ले लिया था। और उसके बाद हमने एंट्री कर दी। तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, इतनी भीड़ नहीं है, तो भीड़ होते हुए भी नहीं लगती है, इतनी अच्छी अरेंजमेंट है। और लेकिन दूर से ही होता है दर्शन, क्योंकि पास से वो भस्म आरती वगैरह लेने के लिए आपको काउंटर से ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट लेने पड़ते हैं, और उसके लिए आप फिर मॉर्निंग में लाइन लगाओ और मॉर्निंग में अंदर गर्भगृह में जाके दर्शन कर सकते हो। बट हमने कोई टिकट नहीं लिया था तो हमने बाहर से दर्शन किए थे, बट ईजीली हो गए थे हमें। और ये हम पहले भूल गए थे लगवाना, तो मैंने वापस से ये लगवाया क्योंकि इसके बिना भी मज़ा नहीं आता मंदिर में घूमने का। और फिर हमारे दर्शन पूरे हो गए और वहाँ पे भी बहुत सारे अंदर मंदिर हैं उज्जैन में। तो हमने
फ़ोटो खिंचवाया जो वहाँ पे खिंचवाते ही हैं लोग बाग, कैमरामैन खड़े रहते हैं, तो मेमोरेबल था तो वो फ़ोटो खिंचवाया। और ये ऐसे ही रोड पे था तो मैंने बना लिया ये वीडियो। उसके बाद हम शाम की शिप्रा नदी की आरती के लिए निकले, और बीच में ही बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, गणपति का, हर सिद्धि माता का, तो वो सब भी हमने सोचा कि आरती के बाद करेंगे क्योंकि 6 बजे शाम को आरती शुरू हो जाती है। वहाँ पे भी बहुत सुंदर एक त्रिशूल बहुत बड़ा सा है, और चारों तरफ नदी के चारों तरफ मंदिर हैं, तो अलग अलग मंदिर की अलग अलग टाइम एक एक करके आरती शुरू हो जाती है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, शाम को नज़ारा देखने लायक था, और ढोल नगाड़े सब बजते हैं, आरती होती है, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। फिर हमने भी थोड़ी देर वहाँ पे आरती सबकी देखी, और फिर हम आरती करने के बाद फिर हम लौटे तो बहुत ही रात हो गई थी फिर, लेकिन और हमारे पैरों में अलग दर्द था, और हमें महाकाल कॉरिडोर भी देखना था, बहुत ज़्यादा मन था। तो हमने आरती ख़त्म करने के बाद हर सिद्धि मंदिर और गणपति भी भगवान का मंदिर स्किप करते हुए हम कॉरिडोर देखने के लिए निकल गए। और लौटते टाइम वहाँ पे शादी की बारात भी निकल रही थी, और बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, कुछ भी खरीदना है तो अपने लिए खरीद सकते हैं। वहाँ से हमने एक दो चीज़ें ली। उसके बाद एक कॉरिडोर वहाँ का, भाई माशाल्लाह बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर कॉरिडोर है, तो वो देखना ना भूलें। और हर सिद्धि मंदिर भी काफ़ी सुंदर है, वो भी ज़रूर देखें, 2 दिन का टाइम एटलीस्ट निकालें। तो हमने स्टार्ट किया देखना, तो ये अभी डेवलप हुआ है। एक एक कलाकृति इतनी सुंदर है वहाँ पे, हर शंकर भगवान की हर चीज़ें वहाँ पे शो की गई हैं, कब उनकी शादी हुई थी, कब उन्होंने क्या संहार किया था, सब कुछ बताया है, बहुत सुंदर है। एक भारत माता का मंदिर भी है जो हम नहीं देख पाए क्योंकि एक दिन में ही इतना सारा नहीं देख सकते थे, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि कॉरिडोर बहुत बड़ा है, तो लेकिन देखना जरूर है, वो बहुत सुंदर है। पे अदर कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ प्रसाद का चार्ज है। उसके बाद सेकेंड डे मॉर्निंग में हमारी बस थी इंदौर में ओंकारेश्वर के लिए, तो हम सेकेंड डे मॉर्निंग 7:30 पे निकले, और 12 बजे हम ओंकारेश्वर पहुँचे भाई। और ओंकारेश्वर में सबसे पहले जाने के बाद वहाँ पे बोट से भी पहुँच सकते हैं और वॉक करके भी पहुँच सकते हैं झूले से, लेकिन हमने बोट पर पर्सन 50 था अगर डायरेक्ट मंदिर जाना है, और अगर घूमना है पूरी नदी तो 150 पर पर्सन था। तो हमने पूरी नदी, पूरी नर्मदा नदी घूमी, एक जगह पे तो नर्मदा और कावेरी का संगम था, यह सब बताया वहाँ पे, तो वो हमने देखा सब। और ओंकारेश्वर फिर हम पहुँचे बोटिंग करने के बाद, भैया वहाँ पे बहुत बहुत भीड़ रहती है। सबसे पहले हमने प्रसाद लिया, अपने स्लीपर्स उतारे, उसके भी चार्जेस लिए गए थे। उसके बाद हम पहुँचे ओंकारेश्वर मंदिर। हमने बोटिंग इसलिए भी कर ली क्योंकि उस टाइम पे पट बंद थे भगवान के मंदिर के, 1:30 पे ओपन हुए, और फिर वहाँ पे लाइन लगाओ, लेकिन आप नीचे जैसे ही जाते हैं तो आपको बहुत सारे पंडित मिल जाएंगे। ये स्टैचू ऑफ वननेस है, शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी मूर्ति, तो वो दिखती है। उसके बाद एक चीज़ है कि वहाँ पे पंडित मिल जाएंगे, वो बोलेंगे कि हम आपको दर्शन करा देंगे 3000 में, 2000 में नहीं, लेकिन बट हमें ऊपर जब 2 घंटे हम लाइन में खड़े रहे, 3 बजे ऊपर पहुंच के पता चला कि 500 में VIP टिकट लेके भी जा सकते हैं, तो हमने वो लिया पर पर्स। VIP टिकट के बाद भी VIP की लाइन अलग लगती है, बहुत मशक्क़त से सिर्फ 2 सेकंड आप दर्शन कर पाओगे, प्रसाद भी अच्छे से नहीं चढ़ा सकते। हमने ममरेश्वर मंदिर का दर्शन किया क्योंकि इसके बिना भी ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन अधूरे होते हैं, तो वहाँ जाना जरूरी है। अगेन यहाँ पे भी VIP टिकट लिया 500 का 2 पर्सन के लिए, और हमने दर्शन किए। या तो आप वहाँ रुक रहे हो रात में तो आप पैसे मत दो, लेकिन हमारी 5 बजे ही बस थी इंदौर के लिए, तो हमको टिकट लेना पड़ा, और 5 बजे हम बस में बैठ के इंदौर पहुँचे, और वहाँ पे अपना स्वीट्स पे थाली लिया और खाया। तो हम अहमदाबाद फिर रिटर्न हो गए रात में, 11 बजे की ट्रेन से वापस थे।